हेलो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। ठीक है, पावर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस। अप्लायंसेस मतलब कि कितने इंस्ट्रूमेंट उससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके पावर कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस, तो इसके टू मेथड्स हैं। देयर आर टू मेथड्स। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो मेथड हो सकते हैं, और वो दो मेथड क्या हैं? फर्स्ट सीरीज कॉम्बिनेशन और सेकेंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट हेडिंग हम लोग डालते हैं कौन सी? सीरीज कॉम्बिनेशन। लेट अ थ्री अप्लायंसेस जिनके रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, और इनको एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया है जिसका पोटेंशियल कितना है? V। और ये नेगेटिव टर्मिनल एंड ये पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो एक ये हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? P1, P2 एंड P3। ठीक है, यहाँ का अगर पोटेंशियल की बात करें तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? V2, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? V3। ये सभी बच्चे जानते होंगे क्योंकि इससे पहले भी हम लोग कई बार इस बार डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ये सीरीज़ में जुड़े हुए हैं तो इन तीनों के पोटेंशियल्स क्या होंगे? अलग अलग होंगे। अगर यही तीनों किस में होते, पैरेलल में जुड़े होते, तो इनका पोटेंशियल कैसा होता? सेम होता। ठीक है, तो ये हम लोग थ्योरी देख लेते हैं। लेट थ्री अप्लायंसेस ऑफ पावर P1, P2 एंड P3 एंड रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड विद कनेक्टेड विद सीरीज कनेक्टेड विद सीरीज टू अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी। ठीक है, तीन अप्लायंसेस हैं जो कि P1, P2, P3 एंड उनके रजिस्टर्स R1, R2, R3 हैं, और वो कनेक्टेड हैं किसमें? सीरीज में। ठीक है, जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बी। क्लियर। यहाँ से अगर नेट रेजिस्टेंस की बात करें तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ से कितना हो जाएगा? नेट रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर। बाई ओम्स ला क्या हो जाएगा? R। तो R इज इक्वल टू क्या होता है? B अपॉन I।
ठीक है, बी इज इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी अपॉन आई। अब आई क्या है करंट, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी, और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा है क्या, पी इज इक्वल टू बी आई, ठीक है। तो यहाँ से अगर आई निकालेंगे, आई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा पी अपॉन बी, ये बी ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से निकल के आएगा बी स्क्वायर अपॉन पी, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें पता है क्या होता है पी इज इक्वल टू बी आई। इससे पहले हम जब इलेक्ट्रिक पावर के बारे में डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने ये फार्मूला देखा था, ठीक है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर अपॉन पी। इसी तरह क्या हो जाएगा आर वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी वन प्लस आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी टू एंड आर थ्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी थ्री। ये निकल के आ जाएगा पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर, इसको इक्वेशन नंबर दे दो वन, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर वन, सारी वैल्यू आर वन आर टू एंड आर थ्री, और आर की वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन में, तो यहाँ से क्या मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन पी, और यहाँ से क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन पी वन प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी टू प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी थ्री। तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन पी इज इक्वल टू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से क्या बचेगा वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू प्लस वन अपॉन पी थ्री, ये आ जाएगा बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना वन अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू प्लस वन अपॉन पी थ्री। तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आएगा किसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, ठीक है, किसका सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंसेस के बारे में हम लोग उसकी फर्स्ट एडिंग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला निकल के आया है वो क्या है वन अपॉन पी इज इक्वल टू वन अपॉन पी वन प्लस वन अपॉन पी टू प्लस वन अपॉन पी थ्री। क्लियर है?